नगर निगम की जितनी सुविधाएं सारी मिली, आपके चिमनी चालू हुआ और सीसीटीवी फिटेड करके अर्टिगा कार आराम से इस पे खड़ी हो जाएगी, रोड आपकी यहाँ पे अच्छे फिट कर। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी हब के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए रेडी टू मूव हाउस लेके आए हैं। किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं और यहाँ से बेसिक कम्युनिटीज़ क्या कितनी दूरी पे है, उनकी जानकारी के लिए चलिए बुला लेते हैं यहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। जी एक बार फिर से स्वागत है आपका, अपने व्यूअर्स को हाय करिए। हाय। तो जो हम लोग पिछले मकान दिखा चुके थे, इस बार हम लोग किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं, ये क्या लोकेशन लगती है? ये भाई IIM महर्षि यूनिवर्सिटी के जस्ट बैक साइड में, इसको साई सिटी के एरिया के नाम से जाना जाता है। ये आगे बहुत बड़ी आगे कॉलोनी पूरी बनाई हुई है। तो यहाँ से बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ से क्या चीज़ कितनी दूरी पे है? यहाँ से ये आपका IIM हाईवे है जो कि हरदोई से टच हो रहा है, वो आपका मात्र 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर की इस लोकेशन से। और आपका एजुकेशन की बात करी जाए तो ये आपका महर्षि यूनिवर्सिटी आपका मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। 300 मीटर जी। और आपका एक MBA का स्कूल है जो कि इंडिया का नंबर 6 को कह सकते हैं, क्योंकि आप IIM चौराहे पर ही, वहाँ यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, IIM कॉलेज से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किलोमीटर की दूरी पर है ये। और सुविधाओं के मामले में बात करें तो रोड कितने फिट की होगी और लोकेलिटी कैसी है? ये लोकेलिटी सब A1 क्लास की है। रोड आपकी यहाँ पे 25 फीट का रास्ता है, सामने पूरा आगे 40 फीट का रास्ता है। और ये आपका मकान एंड का है। 25 फीट रोड इसकी मिल रही है। और कौन से फेस का पड़ता है ये? उत्तर फेस का ये मकान है। और मकान कैसे बना हुआ है, इन सब की जानकारी के लिए चलिए अंदर चलते हैं और मकान देखते हैं कैसा बना हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आपको यहाँ से। पहले तो मजबूती की बात करते हैं, तो ये मकान पूरा टाइपिंग कॉलम पे बना हुआ है। इसकी पूरी न्यू और टाइपिंग कॉलम के साथ इसकी पूरी न्यू भी भरी गई है, जो कि 6 फीट तक की भराई गई है। 20x50 का मकान है। रजिस्ट्री पर मौके पे जमीन ज्यादा थी, थोड़ा बढ़ा के बना है। 20x53 जी। पॉर्च एरिया पॉर्च एरिया है। इस एरिया का साइज है आपका 8.5x15 फीट का। 8x15 आपकी आराम से अर्टिगा कार खड़ी हो सकती है। एक अर्टिगा कार आराम से इस पे खड़ी हो जाएगी। और इधर वाल थोड़ा सा बाइक पोर्च का है, यहाँ पे आपकी बाइक खड़ी हो जाएंगी, जो कि इसका डायमेंशन है 4x9 का। एक का आपका लॉन एरिया कह सकते हैं आप, एक छोटा सा वो बना के रखना चाहें। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपका गेस्ट रूम है और वो आपका मेन एंट्रेंस है, तो आपको गेस्ट रूम की तरफ से लेके चलते हैं। अच्छा, इन सब लकड़ी की बात करें तो ये सब भी मलेशिया से कोई नहीं, ये सब प्लाईवुड है। ये आपका एक ड्राइंग रूम आता है जिसका साइज है 9x15 का है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने खिड़की का साइज दे रखा है, क्योंकि पूरा फुल वेंटिलेशन का काम करता है। कहीं लाइट नहीं भी है तो ये आपको पूरा मकान खुला खुला लगेगा, मतलब कहीं से भी कोई ओवन नहीं होगी। आप विंडो खोल दीजिए, पूरी हवा आती रहेगी जी। फॉर सीलिंग वगैरह भी काफी खूबसूरत दी गई है, कमरे पूरी फुल फॉर सीलिंग हो रही है, मतलब इसके छत के नीचे पूरी फॉर सीलिंग, उसके नीचे फिर अच्छा अच्छा। और ये आपका वॉलपेपर लगा हुआ है, कस्टमर डिमांड करता है तो उसको हम चेंज करा के दे देंगे। चलिए, और साइज की बात करें तो क्या साइज होगा इसका? इसका 9x15 का साइज है, जो कि ड्राइंग रूम का साइज है। 9x15 का आपको ये ड्राइंग रूम मिल रहा है। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं, आपको ये आगे आए तो ये आपका डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पर जस्ट आपका मॉडुलर किचन दिया हुआ है। खाली डाइनिंग स्पेस की बात करें तो ये क्या स्पेस होगा इसका? ये भाई 12x10 का है ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया 12x10 का जी। 12x10 का खाली ये डाइनिंग एरिया है आपका। जस्ट सामने आपका मॉडुलर किचन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए, विद बास्केट लगा हुआ, लाइटिंग सीलिंग में सब लगी हुई है। ये आपका चिमनी चालू है जी। अच्छा, सब क्वालिटी यूज की गई है ना जी? सब क्वालिटी है। आप देख लीजिए मॉडुलर किचन में आपके यहाँ पे भी हमने प्रोफाइल दिया हुआ है, जिससे खूबसूरती खूबसूरती बढ़ गई। इसमें भी आपका गीजर पॉइंट है किचन में, कि आप अपना चाहे गीजर यहाँ पे भी टांग सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये खाली इसका इस किचन का साइज की बात है? 5x8 का, सॉरी 6x8 का किचन है। 6x8 का, एक तरीके से कह सकते हैं डायरेक्ट एंट्री है ये आपकी। डायरेक्ट एंट्री, ये आपकी डायरेक्ट एंट्री हो गई। मेन एंट्री है वो गेस्ट एंट्री आप कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इस एरिया की तरफ। ये एरिया कितने में बना होगा अगर आप ये बताएं? ये 3x6 का ये आपका यहाँ पे एरिया दिया है, जो कि यहाँ पे आपका वॉश बेसिन लग जाएगा आराम से। और इसी के बगल से ये रहा आपका बाथरूम। बाथरूम के साइज की बात करें तो क्या साइज होगा? 5x5 का बाथरूम है ये आपका। अंदर से आप देख ही रहे होंगे, इंडियन ये बाथरूम है, वेस्टर्न नहीं है, बट कस्टमर डिमांड करता तो हम इसको चेंज कराते हैं। अंदर आपको बाथरूम इन केस जैसे कस्टमर डिमांड करता है, हमको दोनों वेस्टर्न जी हो जाएगा तो चेंज करा के देंगे। चलिए आइए, ये हो गया आपका एक बाथरूम जो कि इंडियन उसमें बना हुआ है। सामने ही आपको वेंटिलेशन के लिए एक स्पेस दिया हुआ है।
उसके बाद आप आते हैं, ये आपका एक बेडरूम हो गया। क्या साइज होगा भाई इसका? इस रूम का साइज है 9x13 का। 9x13 का जी, 9x13 का रूम है। विंडो विंडो की बात करें तो ये आपका विंडो का साइज 3x6 का है, जो कि फुल वेंटिलेशन का काम करता है। आप थोड़ा अंदर आएंगे, अंदर से रूम देखेंगे, इसमें भी फॉर सीलिंग वगैरह सब कुछ दी हुई है, इंटीरियर इंटीरियर सब है। अब इसके बाहर निकलते हैं, इस एरिया में आते हैं, जो कि इसी से लगा हुआ आपका दूसरा रूम है ना। इसका साइज की बात करें तो क्या साइज होगा इसका? 15x9 का ये भी रूम है। 15x9 का मास्टर बेडरूम है, कोई वार्डरोब दे रखी है। ये वार्डरोब मतलब बल्कि स्पेस की है। आप इधर देखेंगे तो अलमारी, यहाँ पे अगर आप ले आते हैं तो आपको अलमारी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मतलब बल्कि आपके कपड़े और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। नीचे भी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। इसी रूम से लगा हुआ आपका एक बाथरूम कह सकते हैं ना, अटैच बाथरूम कह सकते हैं जी। अटैच बाथरूम में यहाँ पे आपका बाथ बेसिन का पॉइंट दे दिया है, शायद इंसान बाथ बेसिन भी रख सकता है। और ये आपका है वेस्टर्न बाथरूम हो गया, वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, मतलब भर का स्पेस इसमें भी। क्या क्या साइज होगा इसका? इसका साइज 5x8 का। आप अंदर से एक बार आके देखेंगे बाथरूम को, थोड़ा सा सामान धरा हुआ है। आपका कम्बोर्ड लगा के मिले, वेस्टर्न टॉयलेट का कम्बोर्ड लगा के यहाँ पे लेंगे। चलिए, टोटी सब ब्रांडेड लगी हुई है। इनके गेट की बात, उनके गेट की बात करें तो ये किसके लगे हुए? लकड़ी के तो ये है नहीं, ये सब पीवीसी फाइबर के लगे हुए, फाइबर के गेट है। देखिए इस मकान में एक और भी खूबसूरती है कि आदमी कहीं अपना घर से बाहर गया हुआ है तो इसमें सीसीटीवी वायर और सीसीटीवी फिटेड करके देंगे। कैमरा सीसीटीवी वायरिंग भी फिटेड है, ये सीसीटीवी कैमरा भी बाहर हम लगा के आपको देंगे। चलिए, अब ये हो गया आपका इसके साइज की बात। अब छत का एरिया दिखा देते हैं। यहाँ आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं गैलरी, ऊपर फॉर सीलिंग इसमें भी दी हुई है। हम आपको स्टेयर की तरफ लेके चलते हैं। इनमें इन सब की बात करें तो ये सब की क्या वारंटी गल की है? रेलिंग लगी है स्क्वायर वाली, सब मजबूत है रेलिंग जी, 220 नंबर की। ये आपका मतलब आप स्टोर रूम टाइप का इसको यूज़ कर सकते हैं, मुमटी टाइप के लिए, मुमटी टाइप में। आप एक बार देखेंगे ये सब जैसे सामान रखा हुआ है, इसी तरीके से आप अपना सामान घर का जुटे सकते हैं। बगल में ही आपको यहाँ पे एक विंडो दिया हुआ है। ये हो गया आपका छत का एरिया। अब बात करें तो भैया ये किसके अंतर्गत आता है? ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो नगर निगम की जितनी सुविधाएँ सारी मिल रही हैं, सारी सुविधाएँ मिले, सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। ये आपका छत का एरिया हो गया। आप एक बार कैमरा घुमाएंगे, घनी आबादी है, डेवलपमेंट हो चुका है, सारी चीज़ें 2 से 3 किलोमीटर में मिल जाएंगी आपको, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एजुकेशन के मामले में भी यहाँ का टॉप का कॉलेज महर्षि यूनिवर्सिटी जो पढ़ता है वो बगल में ही है ना। और बच्चों के लिए यहाँ पर जस्ट सामने स्कूल खुला है जो छोटे बच्चों के लिए है। क्या नाम है? किड्जी। किड्जी मात्र 50 कदम की दूरी पर, 50 कदम की दूरी पर है। आप लोकेलिटी आपने देखी ली। अब सबसे मेन चीज़ बताइए कि यहाँ का क्या प्राइस है, कितने में हम ये डील दे रहे हैं? 52 लाख में हम क्या क्या दे रहे हैं? 52 लाख में हम आपको 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 ड्राइंग रूम, डाइनिंग स्पेस, कार पोर्च, मॉडुलर किचन, ये सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं। और वायरिंग के मामले में हम आपको AC वायरिंग, इन्वर्टर वायरिंग, अर्थिंग वायरिंग, यहाँ तक CCTV वायर भी सब आपको लगा के दे रहे हैं। सब लगा के दे रहे हैं। मजबूती की बात करें तो ये क्या सब टाई बीम कॉलम पे मकान बने, सबके कॉलम सब अलग अलग दिख रहे हैं। पूरा मकान टाई बीम कॉलम पे बना हुआ है, जिसकी उसकी मतलब उसकी नींव भी भराई गई थी, 6 फीट तक की पूरी नींव भरी हुई है, 6 फीट तक जी। ये आपके यहीं नज़दीक में मात्र 200 मीटर की दूरी पर है हिंद हॉस्पिटल, जो कि बहुत फेमस होता है हिंद हॉस्पिटल। हाँ, बिठौली क्रॉसिंग आपका यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, जो कि सीतापुर हाईवे से लगा हुआ है। कितना स्क्वायर फीट बताए थे आप ये मकान? ये रजिस्ट्री में हमारा है 20x50, पर मौके पर जमीन ज़्यादा थी 20x53 जी। तो ये 1060 स्क्वायर फीट में बना हुआ है लैंड एरिया। और इसका बिल्डअप की बात करी जाए तो ये आपका 1300 स्क्वायर फीट में बना है, 1300 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 1300 स्क्वायर फीट में एक तरीके से आपका ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, 1060 स्क्वायर फीट इसका लैंड एरिया है। 52 लाख रुपए में इस लोकेशन पे, जहाँ के सब परिवार रह रहे हैं ऑलरेडी, मकान बिक चुके हैं जी। बढ़िया डील है। अगर आपको डील जल्दी चाहिए, एक लौता मकान ये बचा है जो कि सेल आउट होना है। इसी के और भी इर्द गिर्द मकान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये इस लोकेशन का बहुत ही बेस्ट मकान है। अमन जी, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी कम रेट में जो मकान होंगे वो हम लोग दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हम आप तक लेके आते रहते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।